असलम व्यूअर्स कैसे आप सब होप यू गाइज आर फाइन एंड डूइंग वेल तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी WhatsApp की न्यू अपडेट के बारे में जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने व्हाट्सएप पर आगी अब न्यू एक अपडेट तो पहले क्या होता था कि पहले हम स्टेटस हाइड करते होते थे अपने कॉन्टैक्ट से लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने अबाउट प्रोफाइल फ़ोटो एंड इवन हम uh, अपने लास्ट सीन कॉन्टैक्ट से हाइड कर सकते हैं तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसके लिए क्या करना है सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लें व्हाट्सएप ओपन करने के बाद सिंपल स्टेप्स फॉलो करें और अपना सब कुछ हाइड करें जो जो ऊपर आपको आ, स्क्रीन के कॉर्नर पे थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर सिंपल हमने क्या करना है टैप करना और सेटिंग्स पे चले जाना है सेटिंग्स पे जाएंगे तो ये आप लोगों के सामने एक विंडो अपेयर हो जाएगी यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है वो है अकाउंट से क्योंकि अकाउंट में ही जाके फर्दर हम लोगों ने आगे सारी जो हाइड करनी है जो सारी चीज़ें वो हम लोगों ने उधर से करेंगे तो इधर आने के बाद हम बजाय इसके कि हम बाकी उस पर जाएँ हम डायरेक्ट प्राइवेसी पे जाएंगे हमने क्या करना है सिंपल प्राइवेसी के ऊपर टैप करना है तो ये प्राइवेसी के ऑप्शंस आप लोगों के सामने स्क्रीन पे शो हो जाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास लास्ट सीन प्रोफाइल फ़ोटो अबाउट एंड स्टेटस का ऑप्शन है तो सबसे पहले हम लास्ट सीन पे जाते हैं लास्ट सीन में अब ये माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर हम टैप करेंगे टैप करने के बाद ये कॉन्टेक्ट्स आ जाएंगे तो जिनसे आपने हाइड करना है उसको आप रेड कर दें यानी टिक मार्क कर दें और अपडेट कर दें सिमिलरली प्रोफाइल फ़ोटो पे भी इसी तरह करना है हम लोग उन्हें प्रोफाइल फ़ोटो पे टैप करेंगे माय कॉन्टेक्स एक्सेप्ट पे जाएंगे और वहाँ से जाके उन कॉन्टेक्ट्स को सेलेक्ट करनी है जिनसे आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो हाइड करनी है वो आपने सेलेक्ट किया एंड डन कर दिया आफ्टर दैट हम जाएंगे अबाउट पे एंड सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है माय कॉन्टेक्ट्स एक्सेप्ट पे जाएंगे और उन कॉन्टेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे जिनसे आपने अपना डाटा हाइड करना है एंड उसके बाद डन कर देंगे Hope you guys like the video, subscribe the channel and press the bell icon button. Allah Hafiz.